दोस्तों, K-pop आइडल्स अपने फैंस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और उनसे अपनी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं क्योंकि वो उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। पर कभी कभी ये चीज़ें उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन जाती हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो के एंड तक हमारे साथ यूं ही बने रहें। तो दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में BTS जंगकुक ने अपनी आइडियल गर्ल की बातें करी थी और उन्होंने कई बार साउथ कोरियन सिंगर और सॉन्ग राइटर आयु का नाम लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी फीमेल आर्टिस्ट के साथ वो बॉन्ड अच्छा कर सकें या फिर काम करना चाहें तो वो आयु होगी। दोस्तों, जंगकुक आयु की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए वो उनके सामने थोड़े शाई भी हो जाते हैं, लेकिन फैंस ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। काफ़ी फैंस ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि वो दोनों शायद सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। यही नहीं, जंगकुक के लाइफ में भी उनसे काफ़ी सारे सवाल आयु के बारे में पूछते रहते हैं, जैसे कि क्या वो आयु के बारे में अब कुछ फील करते हैं या फिर वो क्या अभी भी आयु को अपना आइडल टाइप मानते हैं या नहीं। और दोस्तों, सिर्फ जंगकुक ही नहीं बल्कि आयु के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। एक बार तो देखा गया था कि जब वो बुसान यानी जंगकुक के बर्थ प्लेस की चर्चा कर रही थी तो अचानक से सभी जंगकुक का नाम चिल्लाने लगे। अब दोस्तों, ऐसे में आयु ने बस स्माइल करके बात टाल दी और ज़्यादातर जंगकुक भी अपने लाइफ में ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। और आखिर वो कुछ बुरा कहकर अपने फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए कुछ कहते नहीं हैं दोस्तों, बल्कि ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। और इसीलिए अब जंगकुक ने अपनी आइडियल गर्ल, डेटिंग या फिर आयु से रिलेटेड कोई भी बात करनी बंद कर दी है। एक शो में देखा गया था कि जब जंगकुक से पूछा गया कि उनकी क्रश कौन है तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि मैं उसे जानता हूँ पर उसका नाम नहीं जानता और बात टाल दी दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी बात का दूसरा मतलब निकाला जाए। दोस्तों, यही नहीं, अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए फैंस इनडायरेक्टली जंगकुक से सवाल करते रहते हैं, जैसे उन गानों या ड्रामे के बारे में बात करना जिसमें आयु थी या फिर जो आयु ने गाए हैं। दोस्तों, जंगकुक और आयु दोनों ही रिस्पेक्टफुल आइडल्स हैं और उन्हें बिना बात के एक साथ जोड़ देने से उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है। खासकर एक फीमेल आइडल के लिए उसकी इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में आयु के लिए बार बार ये सब फेस करना मुश्किल होता होगा और फैंस को ये बात समझनी चाहिए। वैसे भी जंगकुक ने हमेशा आयु को रिस्पेक्ट दी है और उन्हें एक आर्टिस्ट और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से अपना आइडियल बताया है। जंगकुक ने कभी ये नहीं कहा कि वो कुछ और फील करते हैं, तो इसीलिए फैंस को उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। हालांकि उनके फेस से पता चलता है कि जब उनसे ऐसे कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हर आर्मी तक ज़रूर पहुँचाएँ और ऐसी वीडियोज़ के लिए यूँ ही हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।